काव्य पंदर ग्राम माता। श्रवण करिए। उगे छे सुरखी भरी रवि मृदु हेमंत नो छे नभ स्वच्छ स्वच्छ दिसती एके नथी वादली ठंडो हिम भर्यो वहे अनिल शो उत्साह ने प्रेरतो जे उत्साह भरी दिसे शुक उड़ी गाता मीठा गीतड़ा मधुर समय तेवे खेत रेशे लड़ीना रमत कृषि वलोना बाल नाना करे छे कमलवत गणी ने बाल ना गाल राता रवि निज करते नी ऊपरे फेर वे छे वृद्ध माता अने तात तापे छे शगड़ी करी अहो केवू सुखी जोड़ू करता ए निर्म्यो दिसे त्या धूल दूर नजरे उड़ती पड़े छे ने अश्व ऊपर चढ़ी नर कोई आवे टोले वली मुख विकासी उभा रही ने ते अश्वने कुतुहले चहुबाल जोता धीमे उठी शिथिल करने नेत्रनी पास राखी वृद्धा माता नयन नबला फेर भी ने जुए छे ने तेनो ए प्रिय पति हजू शांत बेसी रही ने जोता गातो शगड़ी पर नो देवता फेर वे छे त्या तो आवी पहुंचो ए अश्व साथे युवान त्या कृषिक ए उठी त्यारे आवो बापू कही उभो लागी छे मुझने तृषा जल झरी दे तू मने बोली ने अश्वे थी उतरी युवान उभिने चारे दिशाए जुए मीठो छे रस भाई शेल नितनो एवू दया थी कही माता चाली युवान ने लई गई जाछे उभी शेलडी प्यालू उपाड़ी उभी शेलडी पास माता छुरी वती जरिक कातली एक कापी
त्यां सेर छूटी रसनी भरे पात्र देवा ने कई विचार कर तो नर ते गयो पी बीजू प्यालू भरी देने हजू छे मुझने तृषा कही ने पात्र युवाने माता ना कर्मा धर्यू कापी कापी करी फरी अरे कातली शेलडीनी एके बिंदु पण रसतनु केम हावा पड़े ना शू को प्यो के प्रभु मुझ परे आँख मा आंसू लावी बोली माता वली फरी छुरी भौंकती शेलडी मा रसहीन धरा थई छे दयाहीन थयो नृप नहीं तो ना बने आवू बोली माता फरी रड़ी एवू युवान सुनता चमकी गयो ने माता तने पग पड़ी उठीने कहे छे ए हूँ ज छू नृप मने कर माफ बाई ए हूँ ज छू नृप मने कर माफ ईश पीतो तो रस मिष्ट हूँ प्रभु अरे त्यारे ज धार्यू हतूं आलो को सहु द्रव्य मान नकी छे एवी धरा छे अहीं छे जो ए मुझ भाग कई नहीं समो ते हूँ वधारू हवे शामाटे बहु द्रव्य आधनिक नी पासे थी ले हूँ नहीं रसे हवे दे भरी पात्र बाई प्रभु कृपाए नकिए भराशे सुखी रहे बाई सुखी रहो सौ तमारी तो आशीष मात्र मागू प्यालू उपाड़ी उभिशेलड़ी पास माता छूरी वती जदिज कातली एक कापी त्यां सेर छूटी रसनी भरी पात्र देवा बहड़ो वही रस अहो छल कावि प्यालू बाळ दोस्तो હવે આપણે કાવ્ય પંક્તિઓના ગાન સાથે સમૂહ ગાન કરીએ ઉગે છે સુરખી ભરી રવિ મૃદુ હેમંત નો પૂર્વમાં ભૂરું છે નભ સ્વચ્છ 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 દિશતી એકે નથી વાદળી ઠંડો હિમ ભર્યો વહે અનિલ શો ઉત્સાહને પ્રેરતો જે ઉત્સાહ ભરી
दिसे शुक उड़ी गाता मीठा गीतड़ा। मधुर समय तेवे खेत रे शेलडीना रमत कृषि वलोना बाल नाना करे छे कमलवत गणी ने बाल ना गाल राता रवि निज करते नी ऊपरे फेर वे छे वृद्ध माता अने तात तापे छे शगड़ी करी अहो केवू सुखी जोड़ू करता ए निर्म्यू दिसे त्या धूल दूर नजरे उड़ती पड़े छे ने अश्व ऊपर चढ़ी नर कोई आवे टोले वली मुख विकासी उभा रही ने ते अश्व ने कुतूहले चहुबाल जोता नेत्रनी पास राखी वृद्धा माता नयन नबला फेर वीने जुए छे ने तेनो ए प्रिय पति हजू शांत बेसी रही ने जोता गातो शगड़ी पर नो देवता फेर वे छे त्या तो आवी पहुंचो ए अश्व साथे युवान त्या कृषिक ए उठी त्यारे आवो बापू कही उभो लागी छे मुझने तृषा जल झरी दे तू मने बोलीने अश्वे थी उतरी युवान उभिने चारे दिशाए जुए मीठो छे रस भाई शेल नितनो एवू दया थी कही माता चाली युवान ने लई गई जा छे उभी प्यालू उपाड़ी उभी शेलड़ी पास माता छुरी वती जरिक कातली एक कापी त्या सेर छूटी रसनी भरी पात्र देवा ने कई विचार कर तो नर ते गयो पी बीजू प्यालू भरी देने हजू छे मुझने तृषा कही ने पात्र युवाने माता ना कर्मा धर्यूं कापी कापी करी फरी अरे कातली शेलडीनी एके बिंदु पण रसतणु केम हावा पड़े ना शू को प्यो के प्रभु मुझ परे आँख मा आंसू लावी
बोली माता वली फरी छुरी भौंकती शेलड़ी माँ। रसहीन धरा थई छे दयाहीन थयो नृप, नहीं तो ना बने आवू बोली माता फरी रड़ी। एवू युवान सुनता चमकी गयो ने, माता तने पग पड़ी उठीने कहे छे, ए हूँ ज छू नृप मने कर माफ बाई, ए हूँ ज छू नृप मने कर माफ ईश। पीतो तो रस मिष्ट हूँ प्रभु अरे, त्यारे ज धार्यूं हतूं, आलोको सहु द्रव्यमान नकी छे एवी धरा छे अहीं, छे जो ए मुझ भाग कई नहीं समो, ते हूँ वधारूं हवे शामाटे बहु द्रव्य आधनिक नी पासे थी लेवूं नहीं। रसे हवे दे भरी पात्र बाई, प्रभु कृपाए नकिए भराशे, सुखी रहे बाई सुखी रहो सौ, तमारी तो आशीष मात्र मागू। प्यालू उपाड़ी उभी शेलड़ी पास माता, छुरी वती जदीज कातली एक कापी, त्यां सेर छूटी रसनी भरी पात्र देवा, बहड़ो वही रस अहो छल कावि प्यालू। बाळ दोस्तों, हवे आपणे काव्य पंक्तिओ जोईने समूह गान करिए।
ભાષા સજ્જતા. બાળ દોસ્તો, અગાઉના એકમોમાં આપણે સાદું વાક્ય, મિશ્ર વાક્ય અને સંકુલ વાક્ય જેવા વાક્યોના પ્રકારો વિશે શીખી ગયા. આજે આપણે વધુ એક પ્રકાર વિધાન વાક્ય વિશે શીખીએ. હવે અહીં આપેલા વાક્યો ધ્યાનથી વાંચો. પહેલું વાક્ય છે, સવારનો સૂર્ય સુંદર લાગે છે. બીજું વાક્ય છે, કોમલને ઉદ્યાનમાં રહેવું ગમે છે. ત્રીજું વાક્ય છે, વિદ્યાર્થીઓએ રોજ વાંચવું જોઈએ. બાળ દોસ્તો, ઉપરના ત્રણેય વાક્યોમાં તમે જોશો કે હકીકતનું સીધું જ કથન આપેલું છે. એટલે કે જે વાક્યમાં હકીકતનું સીધે સીધું જ કથન કે નિવેદન થતું હોય ત્યારે તે વાક્ય વિધાન વાક્ય છે એમ કહેવાય. આવા વિધાન વાક્યને અંતે હંમેશા પૂર્ણ વિરામ એટલે કે ટપકું જ મૂકવામાં આવે છે.